सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 8वें मंत्र पर चर्चा कर रहे थे और बहुत ही सुंदर भाव के साथ इस मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था। मंत्र का जो अभिप्राय है यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन हमारा कभी भी हमारे ऊपर बोझ नहीं बनता। कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि बोझ हो जाता है जीवन। उनसे पूछो कैसा चल रहा जीवन, अरे जी बहुत ज्यादा परेशानी कट रही है। कुछ लोग जीवन काटते हैं और कुछ लोग जीवन जीते हैं। यह यात्रा ऐसे बढ़ती चली जाती है कि पता ही नहीं चलता। हमारा जीवन बंधन से युक्त होना चाहिए कि बंधन रहित होना चाहिए, एक यह विषय हो गया। दूसरा विषय यह है कि यदि हम बंधन को स्वीकार नहीं करते तो जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में आकर के किसी ना किसी बंधन से हमको बंधना पड़ता है। जो बंधन को स्वीकार नहीं करते वो कभी संबंध में जीना नहीं जानते। कुछ लोग बोलते ना बंधन हमको पसंद नहीं, हम किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, हम किसी के पराधीन नहीं रह सकते, किसी के अधीन नहीं रह सकते। हम पराधीन मतलब दूसरों के अधीन नहीं रह सकते, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक स्वतंत्रता है, एक परतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम आत्मसात करके उच्छृंखलता को प्रकट करते हैं। ये सारा संसार बंधन का ही परिणाम है। यदि परमात्मा की व्यवस्था में ये सूर्य चंद्र सितारे बंधे ना रहें तो ये संसार नहीं चल सकता है। ये एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए हैं, आकर्षित हो रहे हैं। हमारा ये शरीर भी बंधन से ही चल रहा है, नस नाड़ियों के बंधन से आरंभ होता है। नस नाड़ियां हमारी शरीर को संभाल करके रखती है, इस पिंड को संभाल कर रखती हैं। वो ब्रह्मांड का रचने वाला ब्रह्मांड को भी और इस पिंड को भी बंधन से युक्त रखता है। संबंधों में हम एक दूसरे के संबंध जो आकर्षण का केंद्र है, माता पिता गुरु आचार्य, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, ये सब बंधन में बंधे हैं, प्रेम के पास में बंधे हैं। जहां पर प्रेम नहीं है, जहां पर प्यार नहीं है, जहां पर स्नेह नहीं है, वो जीवन भी भला क्या जीवन है। प्रभु की डोर से हम बंधे हैं, उस परमात्मा के भक्ति से श्रद्धा से अपने आप को बांध करके हम जीवन चलाते हैं। तो बंधन से तो सृजन है, लेकिन ये आसक्ति दूसरा बंधन है। आसक्त नहीं होना, बंधन का मतलब आसक्ति नहीं, बंधन का मतलब यहाँ पर वो बंधन जो कर्तव्य को हमको सिखाता है, किसके साथ कैसा कर्तव्य, अपने अपने उत्तरदायित्वों को कैसे निभाना है, इसका यह दिग्दर्शन करने वाला वेद मंत्र। बहुत ही सुंदर चर्चा है। ओम यद्वाजिनोदाम संदानम अर्वतो या शीर्षया रसना रज्जुरस्य यद्वा घास्य प्रभृतमास्ते तृणम सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु। कितना प्रकाश करने वाला है यह मंत्र, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने वाला मंत्र, कि हमारा ये वाजिना शक्तिशाली पुरुष की जो अपने आप को धीर गंभीर विद्वान और शक्ति संपन्न मानते हैं, जो अपने आप को जितेंद्रीय मानते हैं, जो अपने आप को बलवान बुद्धिमान शक्तिमान मानते हैं, उनके जीवन में बंधन उनको श्रेष्ठ बनाता है। तो क्या कहा, दाम ग्रीवा बंधुरज्जु है, अर्थात ग्रीवा उनका कंठ, उनका बोलना संयमित हो, युक्त चेष्ट है, वो कभी भी ऐसी कुचेष्टा नहीं करते। और अवर्तः अर्वतः वासनाओं को हिंसित करने वाले का संदानम पाद बंधन है, पदगतों से बनकर पाद जो बताते हैं, तो वहां पर कुचेष्टा नहीं होती, कोई भी गलत क्रिया नहीं होती, किसी कुपथ कुपंथ का पथ भ्रष्ट होने का कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो इस राह पर चलने वाले हैं। इस प्रकार से यह सब गति बड़ी संयत है, कर्मों का युक्त चेष्टा वाला होता है। और या जो अस्य इस संयमी पुरुष की शीर्षया शिरा प्रदेश में होने वाली रज्जु है, अर्थात विचारों में भी यह संयम वाला है। विचार में जिसके कोई ऐसे विचार नहीं आते हैं जो अपने आत्म विघात को चाहने वाला हो, जो अपना अकल्याण चाहने वाला हो, ऐसा कोई भी नहीं है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक उनका तो ज्ञान भी इतना नहीं, विवेक नहीं है। तो पशु पक्षी भी कभी अपनी हानि नहीं करना चाहते हैं, अपने समझ के अनुसार फिर हो जाए तो वो बात अलग है। तो बुद्धिमान जो सबसे ज्यादा जिसको शक्तिशाली उस भगवान ने बनाया है, ऐसा इंसान कैसा अपना अकल्याण चाहेगा, कैसे अपने जीवन को दुखमय सागर में डुबोएगा, नहीं डुबोना चाहता। लेकिन वह व्यक्ति जो अच्छे विचारों से युक्त होगा, अच्छे संस्कारों से युक्त होगा, वो कभी भी ऐसी गलती ऐसी त्रुटि नहीं करेगा। और यह जो विचार है जो ज्ञान इंद्रियों को संयत करके पवित्र ज्ञान वाला बनता है और उसके बंधन का कारण, ये बंधन मतलब उसके ये संयमित विचार आएंगे, विचार गलत नहीं आएंगे। विचारों में संयम होना चाहिए, विचारों को बांध करके रखना चाहिए, एक भी गलत विचार ना आए, बंधन एक बांध खड़ा कर दिया। और अच्छे विचारों का बांध कभी टूटे नहीं, अच्छे विचारों का सदा सर्वदा सम्मान करें, अच्छे अच्छे विचार आते रहें, गलत विचार कभी ना आए। और उन विचारों के साथ साथ अपने शुभ संस्कारों को जगाने का कार्य करते रहें, क्योंकि एक गलत विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है तो पूरा जीवन ही नहीं, पूरा जगत तबाह हो जाता है। कोई वैज्ञानिक यदि गलत विचार करे तो राष्ट्र ही नहीं, सारे संसार को तबाह कर देता है। इतने प्रकार के जो आजकल वातावरण पूरे विश्व में है, ये जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, जो लोभ की प्रवृत्ति है, ये कुविचार से ही तो सारा संसार जल रहा है। सारे संसार में जो अफरा तफरी है, सारे संसार में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सारे संसार के व्यक्ति जो एक दूसरे का खून चूसना चाहते हैं, उसके पीछे क्या है? कुविचार, कुसंस्कार। और ऐसे कुविचार से युक्त व्यक्ति, कुसंस्कार से युक्त व्यक्ति अपना भी हित नहीं कर पाते और दूसरों की हानि तो करते ही करते हैं। तो वेद माता हमको ये शिक्षा देती है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों को संयत, अपने विचारों में यह संयम वाला है, संयमित रहने वाला है, और ज्ञानेंद्रियों को संयत करके यह पवित्र ज्ञान वाला बनता है। और इसकी जो रचना कटी प्रदेश में होने वाली रज्जु यह उदर का संयम है, पेट को संयत करके यह प्रभृतम ये जो दामोदर बन जाता है। अर्थात हमारा लोग जो है बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, और पेट के लिए ही पता नहीं कितने कितने लोग कुकर्म करते हैं, कितना कितना वो अपने रसना पर नियंत्रण ना करके पेट भरने के लिए पता नहीं कितनी कितनी हिंसा करते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कंठ, पाद, मस्तिष्क और उदर के संयम को सदा पालने वाले हों। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो हमको पेट भरने से मतलब किसी की हिंसा हो रही है, किसी का जीवन जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल अपने पेट भरना अपने को, इस दृष्टि को रखने वाले तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। क्योंकि अकेले खा खा करके सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो ये जीवन का जो एक क्रम है, उस क्रम में जो धर्म का, पुण्य का, वेद के ज्ञान का ध्यान रखता है उसका ही जीवन महान बनता है, और वो जहान को भी महान बनाने वाला इंसान होता है। हम इस कृत्य को, जो सुकृत्य है, उसको करने में कभी पीछे ना रहें। इसलिए कहा कि अपने पेट पर संयम रखें। किसी के अपने पेट भरने के लिए किसी की पेट में लात नहीं मारनी चाहिए। कहावतें लोग गांव में कहते हैं कि किसी की पेट में लात मत मारिए। अर्थात अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, अपने को धनवान बनाने के लिए, अपना व्यवसाय चलाने के लिए कभी भी किसी के व्यवसाय में, किसी के कार्य में हम यदि हिंसा करते, हिंसात्मक कार्य करते हैं तो वो कल्याणकारी नहीं होगा। वो भी जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वो भी अपने लिए चाहते हैं। तो अपने पेट को संयमित रखें, उसमें दामोदर सच्चे बन जाएं। अर्थात दूसरों का कल्याण करने वाले हों, दूसरों का भला चाह करके अपना भला चाहने वाले हों। ऐसा ना हो कि अपना ही, क्योंकि असुरिया नाम तेलो का अंधे न तम सावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। आत्मानुकूल यदि आचरण नहीं करेंगे और केवल पेट पूजा में ही लगे रहेंगे, पेट के लिए ही पाप करेंगे, तो यह कभी भी ईश्वर हमको माफ नहीं करेगा। इस दृष्टि को हम सदा अपने मन मस्तिष्क में बना के रखें और उधर को भरने के लिए हम कोई अधर्म ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी अभक्ष पदार्थ ना लें, संयमित जीवन जीने वाले हों। और यत वा घ, और जो निश्चय से अस्य आस्य, इसके मुख में तृणम प्रभृतम, तृण अर्थात वानस्पतिक भोजन ही प्रकर्षण प्राप्त कराया गया है, तो वह तेरी सर्वाता ये सब बातें अपनी बहुत संभव करके देवेशु अस्तु, दिव्य गुणों की उत्पत्ति का निमित्त बने। अर्थात जो हमारे मुख में, मुखम आस्य, मुख बोलते आस्य जो है वो मुख है, तो इसमें तृण प्रभृतम, तृण जो वानस्पतिक अर्थात जो हमारे लिए उस परमात्मा ने खाद्य पदार्थ बनाए हैं, जो फल फूल जो अन्न औषधि हमारे लिए बनाए हैं, उनका ही हम सेवन करने वाले बने। जो फल फूल कंद मूल हमारे लिए हैं, उससे भिन्न यदि हम पदार्थ खाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो उससे हमारी बड़ी हानि होगी, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होगी, क्षीण होगी और हम पाप से युक्त हो जाएंगे। इसलिए वानस्पतिक भोजन से अपने जीवन को दिव्य गुणों से युक्त करें, क्योंकि शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। अपने जीवन में यदि हम शाकाहार को, शाक सब्जियों को ध्यान में रख करके कि हमको जीने के लिए तो 2 वक्त का भोजन चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो हम किसी जीव की हत्या ना करें, जिससे वो भी हमारा और हम उनका भरण पोषण कर सकें। क्योंकि ये सारा संसार गिव एंड टेक पर चलता है। स्वार्थ की भावना को त्याग करके हम सदा सर्वदा ऐसे त्यागमय जीवन की जो शरणागति है उसको प्राप्त करें, ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करें, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदरता से युक्त हो जाएगा। हम कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे, पाप से बचेंगे, और ऐसा यदि हो गया तो समझिए कि जीवन हमारा सफल हो गया। अपने आप कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है जब तक उसके जीवन के जो शिक्षक हैं, माता पिता गुरु आचार्य, यदि 3 उत्तम शिक्षक मिलकर के उसको सुसंस्कार देते हैं तो कभी वो पाप नहीं करता। तो ये माता पिता गुरु आचार्य का और बड़ों का कर्तव्य है कि ऐसी सुसंतानों का निर्माण करे जो बंधन में जीने वाला हो, अर्थात जो मर्यादा रूपी बंधन है, जो संयम रूपी बंधन है, जो ब्रह्मचर्य रूपी बंधन है, जो चरित्र रूपी बंधन है, जो धर्म रूपी बंधन है, उसका कभी अतिक्रमण ना करें। ऐसा बंधन दिव्यता का आधान कराने वाला होगा, ऐसा बंधन सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति कराने वाला होगा। यूं तो मरने के लिए सब इस संसार में आते हैं, अर्थात जीवन सबका नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है। अपने जीवन का हम दिव्यतम सोपान चढ़ें, ऐसा इतिहास गढ़ें और डरे नहीं। जो डर गया समझो मर गया। कभी हमारा कोई अहित कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हमको चरित्रवान बनना पड़ेगा, बुद्धिमान, विवेकवान, प्रज्ञावान, बलवान बनना पड़ेगा। अपने चरित्र बल से, अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से इस सारे संसार को प्रकाशित करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी जो इससे विपरीत आचरण करता है जीता जी मर जाता है। जिसके जीवन में तेज नहीं, जिसके जीवन में शौर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, उसका जीना भी क्या जीना। जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, परमार्थ नहीं है, जिसके जीवन में सेवा सत्कार नहीं है, ऐसा जीवन भी क्या जीवन है। और ऐसा जो जीते हैं कि नहीं हमको करना है देश के लिए, समाज के लिए, अपने इस आत्म कल्याण के लिए, आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च, इस जो जीवन मिला है ये हमारे आत्म कल्याण से जग कल्याण के लिए मिला है। तो इस मार्ग में कभी हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए। और जो कहते हैं कि जो अपने आप को अपने सिर पर कफन बांध करके चलता है वही विजय को प्राप्त करता है। तो विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। लोग डरते रहते, अरे कोई हत्या ना कर दे, कोई मार ना दे, क्या होगा, ये बिल्कुल कभी विचार ना करें। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यहाँ, वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अहो वही उदार है परोपकार जो करे, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। चलो अभिष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न विभिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांत हो सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। ये जो संसार के लिए व्यक्ति अपने जीवन को लगाता है वही संसार में यश कीर्ति पाता, युग युगांतरों तक उसका लोग नाम लेते हैं। तो हम ऐसे विभूति से सुसज्जित हो, ऐसे जीवन को जिए जहाँ पर कोई क्लेश ना हो, जहां पर कोई भी बाधा आए तो समाप्त होने के लिए आए। पूरा धैर्य पूरा तेज हमारे जीवन में हो और ये बंधन कभी भी टूटे नहीं, ये बंधन कभी भी छूटे नहीं। क्योंकि उस प्रभु का जो आलंबन है, माता पिता गुरु आचार्य का जो आलंबन है, उस आलंबन से जो हम जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं उससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता है। अतः हम अपने कंठ से, अपने पाद से, अर्थात अपने पैरों को उधर बिल्कुल ना ले जाएं। कहते हैं कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। ये जो दिल दिमाग हमारा संतुलित रहना चाहिए। वेद मंत्र का यही अभिप्राय है कि हमारी वाणी भी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, कभी भी इससे कोई ऐसा व्यवहार हम ना करें जो अमर्यादित हो, जो बंधन से युक्त हो करके। देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिम भगाय, दिव्यो गंधर्व केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सुदतु। वेद मंत्र कहता है कि हमारा जो बोल चाल हो उस परमपिता परमेश्वर से हम सामर्थ्य पाते हैं। वाचस्पतिर्वाचम न सुदतु, हे वाणियों के स्वामी परमपिता परमेश्वर वाचस्पति, आप मेरी वाणी को रसदार बना दीजिए, कभी भी नीरस ना हो, मिठास हो। और सिर्फ जो मस्तिष्क की बात कही इसमें, तो मस्तिष्क भी ठंडा ठंडा कूल कूल हो, अनुकूल हो, कभी भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क और कंठ में मर्यादा हो, ऐसे विचार एक बार भी ना आए जिससे हमारा जीवन नष्ट होने वाला हो, जिससे इस संसार का अकल्याण होने वाला हो। क्योंकि विचार से ही व्यक्ति महान बनता है और विचार से ही वह पतन को प्राप्त होता है। विचार जितने उन्नत होंगे उतना हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा संसार उन्नत होगा। यदि विचारों में संकीर्णता आ गई तो कभी भी उन्नति नहीं होती है, व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। बस बैठे बैठे ऐसे गलत विचार आने लगते हैं, और गलत विचार आने से हमारे शरीर में ऐसे विषैले विषयुक्त जो है रसों का एक प्रकार से स्राव होता है। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन कराते हैं जो पूरे शरीर को रोग से ग्रस्त कर देते हैं। तो ऐसे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो अच्छे सच्चे विचार हैं उनकी मर्यादा में हम रहें, और हमारा कदम कभी भी गलत राह पर न जाए। अग्ने नय सुपथाराए अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। ये जो हमारी यात्रा है ना, तो यात्रा अच्छे सुमार्ग से सुपथ से जाए, तथा हम अपने मतलब अपना भी जीवन चलाना दूसरों के लिए भी जिए और जीने दें। किसी का हक कभी ना दबाएं, सबके लिए सबके साथ सबके पास उन्नति का साधन जो परमात्मा ने दिया है उसको करें, और सात्विक आहार लें। ये अंतिम बात कही इसमें, सात्विक आहार लेकर के वो देता है, सब कुछ दिया है उसने, तो ऐसा जीवन जी करके हम बहुत ही उन्नत जीवन जिएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।